दोस्तों आज इतिहास लिखा जाने वाला है। क्रिस्टोफर नोलान की जो फिल्म है ओपेनहाइमर आज जो कलेक्शंस करेगी इंडिया में वो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। अगर आप 2450 की टिकट खरीद रहे हो, हाउसफुल शो है, सोचिए कुछ भी हो सकता है। मुंबई में ऐसे ही थिएटर में 2450 की टिकट बिकी है, हाउसफुल शोज है, आईमैक्स शोज जो है ओपेनहाइमर का, मुंबई दिल्ली अलग अलग पार्ट्स में हाउसफुल है। 1200 की प्राइस 1600-1800 फुल हाउस है। इसके अलावा जो नॉर्मल 2D शोज है ओपेनहाइमर के उसको भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला दोस्त मेरे। और अक्रॉस इंडिया ये फिल्म पहले दिन बारिश होने के बावजूद मुंबई जैसे शहर में पागलपन छाया हुआ है इस फिल्म को लेकर। जहां हिंदी फिल्मों के लिए बोलते ना 10% ऑडियंस नहीं आ रही थी, वहां पर 90% 100% फुल ऑडियंस आ रही है। तो ये कमाल किया है सिनेपोलिस जैसे थिएटर को हाउसफुल कर दिया है। नॉर्मल 2D शोज में 70-80% फुल है, ये बड़ी बात है दोस्तों। ओपेनहाइमर फिल्म का फर्स्ट डे प्रेडिक्शन में देने वाला हूँ। ऑफकोर्स ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल वीडियो होगा, बहुत सारे लोग इस पर प्रेडिक्शन नहीं देंगे क्योंकि किसी को घंटा नहीं पता क्या होने वाला है, क्या कलेक्शन आने वाला है। मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, बट स्टिल आई थिंक आई हैव टू प्रेडिक्ट इट ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग कि ये फिल्म कितना कमाए, क्योंकि मेरे प्रेडिक्शन पे बहुत ज्यादा लोग विश्वास करते। तो मैं आपको बता दूं सिचुएशंस के हिसाब से जो लग रहा है 10 करोड़ के ऊपर फिल्म जा रही किसी भी हाल में, नो डाउट। यहाँ पर मैं इसका प्रेडिक्शन कुछ नहीं, तो कम से कम हर चीजों को देखते हुए मुझे लगता है बहुत सटीक तरीके से देने वाला हूँ 16-18 करोड़ का। मैं दिल कह रहा है कि ऐसे इंच कमाएगी नहीं, 16-18 करोड़ इज माई प्रेडिक्शन। 16-18 करोड़ डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट आई थिंक द फिल्म हैज दैट वैल्यू इन इंडिया फॉर श्योर। मैं बहुत ही कम बोल रहा हूँ शायद, 16-18 करोड़ इज माई प्रेडिक्शन। और इस बारिश में भी अगर ये पागलपन छाया है और इस तरह कलेक्शन आता है 16-18 करोड़, अगर 16-18 करोड़, दिस विल बी ए फैंटेस्टिक कलेक्शन आई कुड सी, आई शुड से। और एक बार भी करके भी फिल्म रिलीज हुई है हॉलीवुड की, जिसके लिए भी प्यार लोग दिखा रहे हैं, उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इंडिया में। बट वो बात की बात है, अगर क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म ओपेनहाइमर की बात करें तो ये 16-18 करोड़ पॉजिटिव कमा सकती है। दिस इज वॉट इज माई प्रेडिक्शन, आप ही क्या है जरूर बताइएगा। बाय बाय।